हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहले शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चेक करूंगा माउस को और सबसे लास्ट में चेक करेंगे लाइन्स को, और इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करने जा रहा हूँ, यहाँ से साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स में थोड़ी सी टिल्टेशन नज़र आ रही है मुझे, यहाँ से हल्की सी टिल्टेड है फिंगर, और देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी टिल्टेशन रहेगी इनके सैटर्न माउंट की तरफ, सैटर्न फिंगर की तरफ, या जो फिंगर है सैटर्न फिंगर है शनि की, तो कुछ इस तरफ को झुकाव है फिंगर्स का, तो थोड़ा सा वैराग्य इनकी लाइफ में रह सकता है। अदरवाइज फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, और अगर लेंथ की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे जो सूर्य की फिंगर है और जो बृहस्पति की फिंगर है दोनों लगभग एक जैसी लंबाई में दिखाई दे रही हैं। तो दोनों की क्वालिटीज़ इनके अंदर रहने वाली हैं, काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी रहेंगी और साथ साथ काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके अंदर रहनी चाहिए। और अगर देखा जाए शनि की फिंगर तो वह भी काफ़ी सीधी और काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी एनर्जी और अच्छा स्टैमिना इनका रहेगा लाइफ में। और यहाँ पर अगर देखें इनकी कनिष्ठा फिंगर जो है मुझे थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही है, तो थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत रह सकती है और थोड़ी सी शाइनेस इनके स्वभाव में रह सकती है। तो चलिए चेक करते हैं इनकी फिंगर्स की सेटिंग किस तरह से सेट हैं फिंगर्स हथेली पर, इस चीज़ को देखते हैं, उसके बाद चेक करेंगे लाइन्स को। तो यहाँ पर एक अगर लाइन ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह की लाइन आपके सामने नज़र आएगी, कुछ इस तरह से लाइन बन रही है इनके हाथ में। और अगर आप देखें तो जो मरकरी है बहुत ही थोड़ी स्पेस मिल रही है मरकरी को, फिंगर बहुत ही लो सेट है, तो काफ़ी शाइनेस का स्वभाव इनके अंदर रह सकता है और थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल में भी दिक्कत रहती है जिनकी फिंगर जो होती है सबसे छोटी कनिष्ठा फिंगर यह लो सेट हो जाए, तो कुछ इस तरह का यहाँ पर रुझान दिखाई दे रहा है। तो चलिए बाकी के माउंट्स तो मुझे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, हल्का सा गुरु माउंट भी लो सेट है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तो इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं वन बाई वन एक एक करके माउंट्स को, माउंट्स इनके बारे में क्या क्या बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है मुझे मरकरी का माउंट, क्योंकि साइज़ में बहुत छोटा रह चुका है। और यहाँ पर अगर कुछ लाइंस देखी जाए तो काफ़ी एक या दो सीधी लाइनें दिखाई दे रही हैं, फोकस्ड एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इसकी वजह से कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार आता है। अदरवाइज़ जिस हिसाब से फिंगर की सेटिंग है उस हिसाब से इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है कम्युनिकेशन की, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मरकरी की तरफ से इनको नहीं मिलने वाले। तो चलिए चेक करते हैं सूर्य का माउंट, सूर्य का माउंट मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। अगर सूर्य के माउंट को देखा जाए तो काफ़ी हाई सेट है फिंगर और काफ़ी अच्छी स्पेस इनको यहाँ पर इनके माउंट को मिल रही है, तो जो माउंट है बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी एक काफ़ी अच्छी लाइन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है सूर्य के, और एक मंगल की तरफ से चल रही है लाइन, आप देख सकते हैं मंगल की तरफ से पहुंच रही है एक लाइन और दूसरी लाइन यहाँ पर सूर्य माउंट के ऊपर कुछ इस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोनों लाइंस यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं, फोकस दिखाई दे रही हैं, बेशक लाइन क्रॉस कर रही है जिसके कारण थोड़ी सी नेगेटिविटी रह सकती है, अदरवाइज नेम और फेम मिलने के चांसेस भी काफ़ी अच्छे हैं इनको। मंगल जैसे क्षेत्र में यानी अपने साहस के कारण भी कुछ फेम मिल सकता है, क्योंकि मंगल का यहाँ पर कनेक्शन हो रहा है सूर्य माउंट के साथ। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुझे गर्डल ऑफ वीनस जैसी फॉर्मेशन बनती हुई नज़र आ रही है, आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ इस तरह से बन रही है गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन। पूरा गर्डल ऑफ वीनस तो नहीं बन रहा लेकिन फिर भी यह काफ़ी प्रभावशाली रहता है एक तरह से। इस तरह का जो पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस है, ब्रोकन गर्डल ऑफ वीनस है, यह व्यक्ति को मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम दे सकता है, काफ़ी जल्दी व्यक्ति का मूड जो होता है ऑफ हो जाता है, या बहुत ही जल्दी इनका मूड अच्छा भी हो जाता है, कुछ इस तरह का प्रभाव और इमोशंस इनके रह सकते हैं इस पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस की वजह से। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो एक फिश जैसा सिंबल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे सूर्य माउंट के ऊपर, तो आपको दिखाना चाहूँगा मैं किस सिंबल की बात कर रहा हूँ, कुछ इस तरह का सिंबल मुझे नज़र आ रहा है
यहाँ पर यह भी काफी शुभ चिन्ह होता है। यहाँ पर अगर ऐसा फिश ऐसा चिन्ह बने सूर्य माउंट के ऊपर तो व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है देश विदेश में, लेकिन यह प्रसिद्धि जो मिलती है लेटर एज में जाकर व्यक्ति को मिलती है, तो यहाँ पर इसका भी इनको काफी बेनिफिट मिलेगा। चलिए चेक करते हैं सैटर्न माउंट को। सैटर्न का माउंट मुझे यहाँ पर काफी हाई सेट दिखाई दे रहा है, अच्छी स्पेस सैटर्न के माउंट को यहाँ पर मिल रही है और एक अच्छी लाइन सैटर्न की यहाँ तक मुझे पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। तो इसकी वजह से धन की कमी तो इनको नहीं रहने वाली लाइफ में, और सैटर्न का माउंट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ भी नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वैराग्य आता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उभरा नहीं है, तो बहुत ही अच्छी स्थिति में यहाँ पर सैटर्न का माउंट मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चेक करते हैं गुरु को यानी कि बृहस्पति जी को। तो यहाँ पर बृहस्पति जी का माउंट जो है मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा लो सेट भी नहीं है और काफ़ी उभार में है और एक क्रॉस जैसी फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है जो कि एक लाइन जो प्रोग्रेस की लाइन के कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी मैट्रिमोनियल लाइफ व्यक्ति को मिलती है और सम्मान भी काफ़ी मिलता है, रिलीजियस रहता है व्यक्ति और धन की कमी भी नहीं होती अगर ऐसा क्रॉस जैसा चिन्ह व्यक्ति के हाथ पे बन रहा हो। और प्रोग्रेस लाइन का बनना तो वैसे भी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी दिलवाता है लाइफ में। तो चलिए आगे चेक करते हैं यहाँ इनकी हार्ट लाइन इनके बारे में क्या बता रही है। तो हार्ट लाइन आप देख सकते हैं कुछ ब्रांचेज इस तरह से चल रही हैं यहाँ पर, और उसके बाद जो हार्ट की लाइन है थोड़ी सी डबल होती हुई लगभग कुछ सीधी चल रही है और बृहस्पति तक पहुंच रही है, और एक हार्ट लाइन की ब्रांच जो है लगभग दोनों माउंट्स के बीच तक पहुंच रही है। तो यहाँ पर एक तरह से प्रैक्टिकलिटी भी रहेगी इनके अंदर और थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक भी यह रह सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति से यानी जुपिटर माउंट से चल रही है लाइन, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति जो होता है ऑनेस्ट होता है, रिलीजियस होता है और काफ़ी लॉयल भी ऐसे लोग रहते हैं जिनकी लाइन की ब्रांच या लाइन खुद ब खुद बृहस्पति माउंट तक पहुंच रही हो। तो यहाँ पर कुछ लाइनों का होना यानी कि थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर का होना, रोमांटिक नेचर का होना भी दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं इनकी बाकी की लाइंस इनके बारे में क्या बताती हैं। हार्ट की लाइन में कोई भी मेजर फ्लॉ मुझे नज़र नहीं आ रहा, डबल लाइन हो रही है तो जिसकी वजह से व्यक्ति को एक तरह सपोर्ट भी मिलती है। यहाँ पर कोई भी ऐसा आइलैंड का चिन्ह या कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो काफ़ी पॉजिटिव लाइन है। तो कुछ सेटबैक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ चलने वाली लाइनों की वजह से, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम हार्ट की लाइन में मुझे नहीं दिखाई दे रही। चलिए और चेक करते हैं इनके हाथ में क्या क्या नज़र आता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इनकी माइंड की लाइन जो है काफ़ी झुकाव लिए हुए है नीचे की तरफ। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरह से इनकी जो माइंड की लाइन है बनती हुई नज़र आ रही है, ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ से जो है झुकाव है, अदरवाइज़ काफ़ी सीधी लाइन चल रही थी यहाँ तक, और यहाँ से झुकाव चंद्र क्षेत्र की तरफ इमेजिनेशंस की तरफ व्यक्ति को मोड़ देता है। और लाइन की शुरुआत जो हो रही है इनर मार्स यानी कि मंगल के क्षेत्र से हो रही है, तो मंगल की वजह से व्यक्ति में थोड़ा अग्रेशन भी रहता है और काल्पनिक यह काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं, काफ़ी नई स्कीमें जैसे माइंड में बनती रहती हैं, इमेजिनेशंस होती रहती हैं, तो कुछ इस तरह का स्वभाव इनका यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर देखा जाए तो जिनके हाथ में माइंड की लाइन मंगल से चलती हो ऐसे व्यक्ति बड़े जोशीले होते हैं और काम बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई नए कार्य शुरू कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ता है तो उसमें चेंजेस भी बड़ी जल्दी जल्दी करते रहते हैं, तो कुछ इस तरह का स्वभाव इनका रहने वाला है। अदरवाइज़ कोई भी मुझे मेजर प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर इनके मस्तिष्क रेखा में नज़र नहीं आ रही, जो एक मेन प्रॉब्लम वही है इनकी कल्पनाशीलता इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, तो जिसके लिए अगर चांदी का ये कड़ा पहने तो काफ़ी अच्छा रहेगा, माइंड इनका काफ़ी स्ट्रांग होगा इससे, और चांदी का कड़ा जो है वो बिना जोड़ के होना चाहिए। और यहाँ से एक लाइन का निकल कर मरकरी की तरफ चल रहा है, तो जो शो करता है कि बिजनेस अगर यह करना चाहे तो उसमें भी इनको प्रोग्रेस मिल सकती है, लेकिन जो मरकरी माउंट है वो बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर अभी ये जॉब में है तो इनको सजेस्ट करूँगा कि जॉब को ही प्रेफर करें, अगर बिजनेस करना भी है तो साइड बिजनेस को ही शुरू कर सकते हैं साथ बाई साथ।
तो चलिए आगे चेक करते हैं इनकी जो लाइफ लाइन है वह इनके बारे में क्या बता रही है। तो थोड़ा सा साइज़ को डिक्रीज़ करना चाहूँगा यहाँ पर। आप देख सकते हैं जो इनकी कंप्लीट लाइन है कुछ किस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। तो जो इनकी माइंड की सॉरी लाइफ की लाइन है वह कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होती हुई दिखाई दे रही है, बाहर की तरफ से चलती हुई आगे, और कुछ यहाँ पर आकर एक मछली की आकृति मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो जो काफ़ी शुभ चिन्ह जिसको माना जाता है मछली का बनना, यानी विदेश जाने के चांसेस काफ़ी ब्राइट हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति के जिनके हाथ में केतु के ऊपर फिश का चिन्ह बने। तो इनके हाथ में काफ़ी क्लियर केतु माउंट के ऊपर फिश का चिन्ह बन रहा है, तो विदेश जाने की इनकी तमन्ना रहेगी और विदेश जाने के चांसेस भी काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहे हैं। बेशक ये परमानेंट वहाँ पर सेटल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर वापस लाइन जो है इनकी अंदर की तरफ यानी कि वीनस की तरफ वापस मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यह विदेश जा सकते हैं और विदेश जाकर वहाँ पर कुछ समय स्पेंड कर सकते हैं और वहाँ से इनको लाभ भी काफ़ी मिलने वाला है। और अगर देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पर लगभग 25-26 के आसपास ओवरलैपिंग दिखाई दे रही है लाइफ में, जिसकी वजह से एक बार लाइफ में मेजर चेंज होगा यहाँ पर कोई ना कोई इनके 25 के आसपास की एज में, जिसके बाद यह और ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ट होकर सामने आएंगे, यानी कि और ज़्यादा एनर्जी इनके अंदर आ जाएगी। तो एक चेंज यहाँ पर मुझे ओवरलैपिंग की वजह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल की लाइन साथ साथ चल रही है जो इनको एनर्जी दे रही है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक तरह से सपोर्ट का काम भी कर रही है। और लाइफ अगर इनकी देखा जाए तो लाइफ मुझे लगभग 80 के आसपास की लाइफ इनकी यहाँ पर टोटल दिखाई दे रही है, तो काफ़ी लंबी एज है जिसको यह एंजॉय कर सकते हैं। आगे चेक करते हैं जो फेड लाइन है यहाँ पर मून के एरिया से चलती हुई और ऊपर तक पहुँच रही है फेड की लाइन सैटर्न तक, जो काफ़ी शुभ है, यानी कि धन की कमी इनको कभी भी नहीं होनी चाहिए। लाइफ में बिजनेस करें या जॉब करें, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जो धन के सोर्स हैं इनके लिए वो बनते रहेंगे। और मून से चलना लाइन का यानी कि काफ़ी चांसेस लाइफ में मिलते रहना, घूमने फिरने के भी और तरक्की के भी। और इसी तरह से मून एरिया के ऊपर और भी लाइन्स दिखाई दे रही हैं जो ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करती हैं, तो काफ़ी ट्रैवलिंग इनको लाइफ में करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मुझे मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे रही है कुछ यहाँ पर इस तरह से, तो काफ़ी शुभ चिन्ह है मनी ट्रायंगल का हाथ में बनना, यानी कि पैसे की स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा होना। तो काफ़ी सारे शुभ चिन्ह इनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। माउंट को देखा जाए तो वीनस का माउंट काफ़ी अच्छा वेल डेवलप्ड मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हर तरह की लग्जरीज इनको लाइफ में मिलेंगी और लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई भी मेजर स्ट्रेस मुझे लाइफ में नज़र नहीं आ रहा। बेशक कुछ स्ट्रेस की लाइंस हैं, लेकिन यह भी बहुत हल्की लाइंस हैं। जो लाइफ में स्ट्रेस नॉर्मली आमतौर पर लोगों को मिलते हैं, तो इनको भी कुछ छोटे छोटे स्ट्रेस यहाँ पर मिल सकते हैं अलग अलग एजेस में, लेकिन कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो यह कुछ चिन्ह थे इनके हाथ में जिनको मैंने लगभग कोशिश की कि सारे के सारे चिन्ह जो हैं उनको यहाँ पर मैं आपको डिस्क्राइब करूँ, और मैंने कोशिश की और किया भी, लेकिन फिर भी अगर कोई ना कोई चिन्ह रह गया हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे उस चिन्ह के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं इनको बता सकूं और इनकी हेल्प हो सके। और अगर इनका भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो इनसे भी रिक्वेस्ट है कि यह मुझे इसी ईमेल पर रिवर्ट बैक करें, ताकि मैं इनकी ईमेल का रिप्लाई टाइमली मैनर पर दे सकूं और इनके क्वेश्चंस को सही तरीके से इनकी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।